कि जो IMF का जो अगला ट्रांश एक्सपेक्टेड है वो मार्च के अंदर है, और फिर आपने अगले प्रोग्राम के अंदर भी जाना है जून के अंदर, तो उस दौरान क्या जो नई हुकूमत है या आपकी हुकूमत जो है वो IMF की कंडीशंस को मानने को तैयार हो जाएगी? अगर नहीं होगी तो फिर केयर टेकर सेटअप आएगा जो आइनी तौर पर सबको एक्सेप्टेबल होगा और वो ये सख्त फैसले करेंगे? देखिए मनीषे, आप मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं थोड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं। नहीं नहीं प्लीज सख्त ना आदाब, करिएगा, सख्त ना करिएगा कादिर साहब, नरम नरम आप नहीं चले। करें, बिल्कुल करें। सुन ले, जब शबर जैदी साहब के पास चार्ज था तो शौकत तरीन के खिलाफ बोल रहा था, फिर शौकत तरीन थे तो अगले उसके खिलाफ बोल रहे थे। तो ये शबर जैदी साहब अगर इतने एक्सपर्ट थे तो अपने दौर में उसने ऐसे सारे कारनामे क्यों नहीं किए? चार वजीर खजाना FDR के चेयरमैन क्यों बदले गया है? और वो जो रेड थे उनने पता नहीं कितने हजार अरब जो रिकवरी करनी थी वो क्यों नहीं किया है? और फिर मैं मफरूजे पे अगर बात करूं, क्योंकि आपने टॉक शो मफरूजा बना दिया है, अगर तमाम टीवी चैनल पे पाबंदी लग जाए मुनिजे आप क्या करेंगे? अगर पाकिस्तान के तमाम शहरों में 10 फुट पानी खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे हम? भाई खुदा का वास्ता रियालिटी पे आ जाए। ओ भाई, 1 हफ्ते की हुकूमत लिया है, 1 हफ्ते की आपने खुद कहता है कि बाबा मुझे बताओ, यहां तो यह आलम है कि किराएदार को कोई स्वयं भी नहीं बुलाते। हमारे मुल्क का अलमिया यह है, आपकी केयर टेकर 1 हफ्ते से IMF क्यों भरोसा करेगी? आपकी चाइना क्यों भरोसा करेगी? आपकी चाइना IMF ये सारे एक उस हुकूमत पे करेगी जो बकायदा औरतों से बकायदा जो ना एक इलेक्शन से आए हुए हैं उस पर करेंगे। केयर टेकर जो ना 1 हफ्ते 3 महीने के लिए उस पर कोई भरोसा नहीं करता है, और केयर ठीक है, टेकर में एक्सपर्ट नहीं बैठे हुए। आप पूरा पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, क्या केयर टेकर हुकूमत जो आई है उन्होंने क्या उस के पर लगे जिन्हें काम किया? कुछ नहीं है। ठीक इसी तनख्वाह सारे काम करेंगे, सुन ले बात, जी, इसी तनख्वाह काम करेंगे। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में भी नहीं होगा अगर इसी तरह रोडों पे अफरा तफरी होगा। आइन का आर्टिकल 232 बहुत ही क्लियर है, आप भी वकील है और लतीफ अफरीदी साहब भी हमारे मोहतरम सीनियर बैठे हुए हैं। अगर इसी तरह अफरा तफरी चलते रही है तो 1 साल के लिए एक्सटेंड होगी, और अब अल्लाह अल्लाह करके 7 महीने जो लोगों ने रोडों पे शेख रशीद और फवाद चौधरी जैसे सुबह उठते हैं और 1 हफ्ते की हुकूमत डिक्लेयर करते हैं जिससे फॉरेन इन्वेस्टर को छोड़िए लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसी बातों से मगर आज ठीक है, कथा कलामी माफ कादिर का मंदोखेल साहब।